आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया है? एन ऑसिलेटर कंसिस्ट ऑफ अ ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग दैट इज द गिवन स्प्रिंग कांस्टेंट। और हमें ये बताया गया है कि अगर हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेजर्ड कर रहे हैं सिस्टम की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को, तो उनकी वैल्यू हमें देख ही रखी है। हमें तीन पार्ट में आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताना है, सेकंड में मास ऑफ ब्लॉक और थर्ड पार्ट में एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम एंड लर्न द कंसेप्ट। तो गाइज, अगर इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करें तो पूरा SHM की जो काना मैट्रिक्स होती है वो हमारा रिकॉल हो जाएगा इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को करने से। जैसा कि हमें देख के क्या क्या रखा है, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा की बात कर लेते हैं तो हमें K की वैल्यू दी है डेट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 425 और यूनिट है न्यूटन पर मीटर। अगर हम बात करते हैं तो हमें एक्स पोजिशन भी दिया है डेट इज द 0.1 मीटर। वेलोसिटी कितनी दे के रखी है? 13.6 मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सीलरेशन इज गिवन -123 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम कुछ बेसिक बातें करते हैं गाइज, कि अगर हम एक्सीलरेशन, कोई भी पार्टिकल या सिस्टम SHM परफॉर्म करता है तो उसका एक्सीलरेशन लिखा जाता है -ω² x से। दिस इज द बेसिक, अगर हम बात करें कि करेक्टरिस्टिक्स होती है SHM की। तो गाइज, यहाँ से अगर a और x की वैल्यू को हम पुट करें तो हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। सो पुट द वैल्यू ऑफ a -123 -ω² x 0.1। तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आने वाली है? डेट विल इक्वल टू 35.07 और यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया गाइज हमारा क्या, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। और ये हमारा की फैक्टर है। जैसे ही हमने ओमेगा निकाला तो गाइज हमने बोला यार कि अगर हम फर्स्ट पार्ट में लीनियर फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी को 2πf लिखते हैं, और अगर हम यहाँ से फ्रिक्वेंसी की बात करें डेट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, दिस इज रिटन 35.07/2π विच विल इक्वल टू 5.58 और यूनिट हो गई गाइज हर्ट्ज। तो इस तरीके से हमने सिस्टम की लीनियर फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लिया। तो ये हो गई हमारे सिस्टम की लीनियर फ्रीक्वेंसी, और लीनियर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आई है? डेट 5.58। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है? मास ऑफ द ब्लॉक। तो अगर हमने सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? √k/m। और गाइज यहाँ से अगर हम m की वैल्यू की बात करें डेट कैन बी रिटन ω² k/m। तो m कैन बी रिटेन k/ω² और यहाँ से मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k हमें प्रॉब्लम में दे के रखा है डेट इज द 425 और ω² की वैल्यू हो जाएगी गाइस 35.07² और यहाँ से मास की वैल्यू आ रही है 0.345 kg। तो गाइस सेकेंड पार्ट में हमसे मास पूछा था, हमने मास भी कैलकुलेट कर लिया है। अब आते हैं थर्ड पार्ट में। लास्ट पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल है। लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड। सो लेट अस टॉक अबाउट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे इस गिवन प्रॉब्लम का। तो गाइज अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है डेट एक्स इक्वल टू ए, हमने एज्यूम किया sin ωt+5। और अगर गाइज हम यहाँ से बात करते हैं वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम वेलोसिटी को क्या लिखने वाले हैं? तो सिंपली अगर हम यहाँ से वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे? लेट अस सी, हम इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर सकते हैं और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं यहाँ से ए ओमेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ωt+5। और फर्दर अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन की बात क्या करेंगे? डेट कैन बी रिटन -ω, और कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin ωt+5। से दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड दिस इज द इक्वेशन 3। और गाइज यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 और 3 को हम ध्यान से देखें तो हम क्या बोल सकते हैं गाइज? अगर इक्वेशन 1 में हम x/a की वैल्यू को लिखें तो क्या लिखेंगे? डेट इज रिटन sin ωt+5। ओके,
से दिस इज इक्वेशन वन, उसी को मॉडिफाई किया है। और इक्वेशन थ्री से गाइज अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखें डेट, अगर हम वैल्यू यहाँ पे किसकी लिख रहे हैं इक्वेशन टू से वी अपान ए ओमेगा, तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिख पा रहे हैं डेट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव से दिस इज इक्वेशन टू, उन्हीं दोनों को मॉडिफाई करके लिख दिया। गाइज अगर इक्वेशन वन और टू का स्क्वायर करके ऐड कर दें डेट, हम लिख सकते हैं इक्वेशन वन स्क्वायर प्लस इक्वेशन टू स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आने वाला है, हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं जो हम टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। एक्चुअली हमें एम्पलीट्यूड निकालना है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, बाकी वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएं। तो गाइज यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास वन आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, और यहाँ से एम्पलीट्यूड स्क्वायर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें गाइज डेट इज द एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0.1 स्क्वायर, और बात करते हैं अगर वेलोसिटी की तो वेलोसिटी की भी वैल्यू हमें देखे रखी है डेट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, कितनी देखे रखी है 13.6 डेट इज द 13.6, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट ही की स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम इस एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करें तो डेट इज द स्क्वायर रूट। तो गाइज यहाँ से हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ रही है डेट इज द 0.401 मीटर, डेट इज द लास्ट पार्ट। सबकी अपनी अलग अलग मेथड हो सकती है बट आई थिंक हमने यहाँ पे इस मेथड से फॉलोइंग क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।